नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी इलेक्शन में। जी हां साथियों, मधुबनी विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं। जी हां साथियों, इसको लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, जाने इस वीडियो के माध्यम। जी हां साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हां साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ। हम आपको बता दें, सीएम शिवराज के मंत्री का किया बड़ा दावा। जी हां साथियों, कांग्रेस के 530 कैंडिडेट बिल्कुल नहीं बचे हुए हैं और कांग्रेस के 5000 दावेदारों में बीजेपी नेता हुए शामिल। जी हां साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार क्या होने वाली है प्लानिंग, वो किस प्रकार होंगे मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव। जी हां साथियों, विधानसभा चुनाव ने प्रत्याशियों मैदान में उतरने को लेकर भी राजनीति बहुत ही गर्मी हुई दिखाई दे रही है। जी हां साथियों, वहीं हम बात करें हमारे शिवराज सिंह के, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के पास 230 प्रत्याशी नहीं है, उनकी खोज में अधिक समय लग रहा है। जी हां साथियों, वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा है कि 230 के लिए 5000 आवेदन आ चुके हैं, इनमें से कई बीजेपी नेता भी शामिल हो चुके हैं। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, क्या मध्यप्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बन पाएगी, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जी हां साथियों, सन 2018 में होने वाले हुआ विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने किया कांग्रेस का पलटवार, जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई थी। जी हां साथियों, और बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी सरकार का सत्ता आ गया था। जी हां साथियों, क्या इस बार मध्यप्रदेश में फिर से बीजेपी की सत्ता आ सकती है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।